ये जो नोटों का ढेर आप देख रहे हैं वह एक 10,000 की तनख्वाह पाने वाले नौकर के घर से बरामद हुए हैं। यह नौकर झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के घर काम करता था और ईडी ने इसके घर पर छापा मारा है। ईडी ने आज सुबह संजीव पाल के नौकर के घर पर छापा मारा था और इस नौकर के घर से अब तक करीब 30 करोड़ रुपए बरामद हो गए हैं। आपको बता दें कि आलमगीर आलम झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लेकिन यह छापेमारी हुई क्यों है, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ईडी की यह छापेमारी वीरेंद्र राम पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के बाद की है। वीरेंद्र राम झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर है और उन पर ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं को लागू करने के दौरान अनियमितताएं बरतने का आरोप है और यह सब जब हुआ तब ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम थे। इस वक्त वीरेंद्र राम जेल में बंद हैं। उन्हें पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 2019 में वीरेंद्र राम के एक सहयोगी के घर से भी भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। अब आपको बताते हैं कि पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर कौन सी गड़बड़ी करने के आरोप ईडी ने लगाए हैं। तो पिछले साल ईडी ने आरोप लगाया था कि वीरेंद्र राम ने ठेकेदारों को टेंडर देने के बदले कमीशन के रूप में कथित रूप में मोटी रकम ली थी। वहीं ईडी इस मामले में जुड़े लोगों के घरों में छापेमारी कर रही है। उस वक्त विभाग के मंत्री, उनके सचिव और जिन लोगों पर भी ईडी को शक है उन सभी के घरों में छापेमारी कर रही है। कब हुई थी पहली बार कार्यवाही? ईडी ने वीरेंद्र राम के खिलाफ जो कार्यवाही की थी वो 10,000 रुपए की रिश्वत से जुड़ा था। दरअसल नवंबर 2019 में एनसीबी ने वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। जिस वक्त सुरेश वर्मा को रिश्वत लेते पकड़ा गया था वो जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के मकान में रहते थे। फिर जब सुरेश वर्मा के घर एनसीबी ने छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की तब सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि ये पैसे वीरेंद्र राम के हैं और उनके रिश्तेदार ने पैसे रखने को दिए थे और ऐसे इस मामले में एक एक करके सभी लोग गिरफ्त में आते गए। इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया.com।